ऐसा टाइम आया है, क्या होगा अब हमारा? अरे बेटा। हाँ पापा जी। अरे बेटा कुछ बनाया हो तो ला दे। ठीक है बेटा, ले आ। अरे बेटा कुछ सब्जी नहीं बनाई क्या? पापा जी घर में कुछ था ही नहीं, आप लाए नहीं तो मैं बनाती कैसे? कोई बात नहीं बेटा, मैं बीमार हूँ। एक तरफ दीपावली, हे भगवान इस त्योहार के दिन मेरे बच्चे सब्जी तक को तरस रहे हैं, कैसे करें क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये बीमारी मेरा पीछा कब तक छोड़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा तब सब्जी बनाएंगे, ठीक है? पापा जी आप टेंशन मत लो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को भी भूख लग रही है, घर में कुछ खाने के लिए है नहीं। बेटा घर में केवल एक ही रोटी का आटा था? हाँ पापा जी घर में केवल एक रोटी का आटा था और नमक भी बहुत इतना ही था बस। ले बेटा तुझे ज्यादा भूख लगी है, तू खा ले इस रोटी को। नहीं पिताजी से आप ही खा लो, आप बीमार हो, मैं तो एक गिलास पानी पी के अपना पेट भर लूंगी। चल बेटा ऐसे कर ले, ये ले आधी रोटी तू खा ले, आधी मैं खा लूंगा। शाम को कुछ इंतजाम करूंगा बेटा, फिर खाएंगे। हे भगवान ऐसे दिन किसी को मत दिखाना। एक तरफ दीपावली, एक तरफ मेरे घर की इतनी बड़ी मजबूरी, घर में एक अनाज तक का दाना नहीं खाने के लिए कैसे मजबूर हो गए भगवान हमारे। छोटे छोटे नादान बच्चे अभी मेरे, इनके दिल पे गुजर रही होगी। हे भगवान, हे खाटू श्याम बाबा, हमें कैसे दिन दिखाए, हम क्या करूं मैं, क्या ना करूं। एक तरफ बीमारी, हे भगवान किसी भी बाप को इतने बुरे दिन मत दिखाना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है बाबा। आ गया बेटा? हाँ पापा मैं आ गया। ठीक है बैठ जा। बहन मुझे भूख लगी है, खाने को दे दे कुछ। भाई घर में एक ही रोटी का आटा था, आधी मैंने पापा को दे दी, ये आधी तू खा ले। बहन नहीं तू खा ले, मैं मेरे को भी एक काम है, मैं शाम को आके खा लूंगा। क्या आंटी मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ बेटा काम तो मिल जाएगा, काम कर लेते हो तुम? हाँ आंटी कर लेंगे। क्या काम कर लेते हो? जो भी आप कहोगे वही कर दूंगा। अच्छा कहाँ रहते हो तुम? ये पीछे कॉलोनी में रहता हूँ।
झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लेते हो? हाँ आंटी कर लूंगी। पक्का काम कर लोगे ना जो बताऊंगी? चलो तो तुम्हें काम बताती हूँ। आ जाओ अंदर आ जाओ। बताओ आंटी जी मुझे क्या काम करना है? एक मिनट रुक मैं अभी आती हूँ। ये ले पकड़ कपड़ा और इस टेबल को साफ कर दे। एक काम करियो, मैं आधा घंटे में वापस आ रही हूँ और ये सारी सफाई हो जानी चाहिए और एक एक चीज चमक जानी चाहिए मेरे फेस की तरह, ठीक है? हाँ सारा चमका दियो, मैं अभी आ रही हूँ। इधर आना। तुम कौन हो? मेरा नाम कृष्णा है, मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। अच्छा तुम काम क्यों करने आए हो? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत क्यों है? क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब है। अच्छा पैसों के लिए काम करना पड़ता है? हाँ। अच्छा मैं तो कोई काम नहीं करता, जब भी मेरे मॉम डैड मुझे पैसे दे देते हैं। क्योंकि तुम अमीर हो और हम गरीब। तुम गरीब क्यों? मुझे पता नहीं। चलो तुम अपना काम करो, मैं ट्यूशन में टाइम हो गया, ट्यूशन जा रहा हूँ। ठीक है। आंटी जी, आंटी जी मैंने घर का सारा काम कर दिया है, मैं जाऊँ? हाँ जाओ जाओ। आंटी जी। हाँ बोलो। आंटी मुझे कुछ पैसे दे देते, मुझे अपने पापा की दवाई लानी है। ओ पैसे? अरे भूल गई। लो कल आओगे ना? हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। ठीक ठीक जाओ, टाइम से आ जाना। पापा जी उठो। अरे बेटा आ गया तू? पापा जी मैं आ गया, अब आपकी तबीयत में आराम है? बेटा क्या करूं? हाँ दवाई के लिए आज पैसे नहीं थे, दवाई नहीं लाया, आराम कहाँ से लगता। पापा जी लो ये मेरे पे कुछ पैसे, आप इनसे अपनी दवाई ले आना और हमारे खाने के लिए भी कुछ ले आना। अरे बेटा ये पैसे कहाँ से लाया तू? पापा जी मैं एक सेठानी के घर पे काम कर रहा था, वहां से आए ये पैसे मेरे पे।
तू काम करने गया बेटा? पापा जी क्या करता, आपकी तबीयत इतनी खराब है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बेटा तू मेरी दवाइयों के लिए काम करने गया? कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, ठीक है ना? फिर तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद काम करूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। हे भगवान, मैं कितनी किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतने होनहार बच्चे मिले, एक परी जैसी बिटिया, कृष्णा जैसा बेटा। अरे क्या हुआ, मैं गरीब ही तो हूँ परंतु मुझे हीरे जैसे बच्चे तो हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू आज से काम पर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, काम पे मैं जाऊंगा। नहीं पापा, मेरे पे परी की भूख और आपकी बीमारी देखी नहीं जाती, मैं तो काम पे जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, तुझे मेरी कसम है, अरे काम पर मैं जाऊंगा ठीक हो जाने के बाद, तुम काम पे नहीं जाओगे। परी। हाय पापा जी। क्या हुआ पापा जी आपको? बेटा बेटा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, पता नहीं अब क्या होगा। बेटा पापा जी आपको कुछ नहीं होगा, मैं पानी लेके आती हूँ, ये लीजिए पानी। पता नहीं बेटा अब क्या होगा। पापा जी आप सो जाओ। आप तो बच्चों की सुनते हो ना, तो मेरी भी सुन लो, मेरे पापा को ठीक कर दो प्लीज भगवान जी प्लीज। सब कुछ ठीक हो गया है, ये तो कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। वाह वाह वाह, तेरी लीला अपरंपार है। यही श्री राधे। अरे वाह, अरे बेटा आ गई तू? कहाँ गई थी? पिताजी मैं मंदिर में आपके लिए प्रार्थना करने गई थी। अरे बेटा भगवान ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मैं बिल्कुल ठीक हो गया है पिताजी। हाँ हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और अब मैं है ना काम पे जाऊँगा। पर पिताजी आपकी तो वहाँ से नौकरी हट गई, तो आप कहाँ जाओगे? अरे बेटा ये तो बात तू ठीक कह रही है, पर हाँ खाटू श्याम बाबा कुछ ना कुछ रास्ता और दिखाएंगे, कोई और नौकरी देंगे मुझे।
जी मुझे हंसराज जी ने भेजा है। आपकी नौकरी दोबारा से वहाँ पर लग चुकी है और उन्हें आपके लिए दिवाली के कुछ कपड़े और कुछ तोहफे भिजवाए। हे खाटू श्याम बाबा, तेरी लीला अपरंपार है। देखा बेटा, मैं कहता था भैया पानी पियोगे। लो जी, बस जी, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ और ये आपके लिए कुछ पैसे भिजवाए थे दिवाली के लिए। आप अपनी दिवाली मनाना, हैप्पी दिवाली उनकी तरफ से। हैप्पी दिवाली उन सबको भी और आपको भी भैया। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। कुछ तो ले लो भैया, चाय पानी। नहीं नहीं जी, बस मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे और लोगों के यहाँ भी जाना है। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। देखा बेटा, लो इन्हें अंदर रख के आओ, जाओ। वारे बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और ये सब सामान लाऊंगा। पिताजी, अब हम भी खुशी खुशी दिवाली मना पाएंगे। बिल्कुल बेटा, खुशी खुशी दिवाली मनाओ, ठीक है ना। पटाखे लाओ, मिठाइयाँ लाओ, मोहल्ले में बंटवाओ, ठीक है ना। पिताजी, मेरे लिए वो फुलझड़ी जरूर लाना। बेटा, सारे पटाखे लाऊंगा मैं, तेरी वो फेवरेट फुलझड़ी भी लाऊंगा। ठीक है पिताजी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा।